हमारे जीवन में प्रेरणा का एक केंद्र है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, मध्य प्रदेश की पूरी ललाट रेखा, एक विकास गाथा जिन्होंने पिछले 14-12 साल में साध्य की है, हमारे सहयोगी और यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे साथी और वरिष्ठ मंत्री जो यहीं से है और थावरचंद गहलोत जी, यहां के हमारे राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री पटवा जी, पारस जैन जी, महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद जी, गोविंद गिरी जी, गोविंद देव गिरी जी, भदंत राहुल बोधी जी ने भाषण करके उनको जाना था, आत्मदास महाराज, हमारे संसद के दोनों साथी, मेरे मंत्रालय के स्थायी समिति के अध्यक्ष है सत्यनारायण जतिया, और यहां के लोकसभा सांसद मालवीय जी, प्रेक्षागृह में हमारे आदरणीय भैया जी, सोनी जी, सभी महानुभाव, और मध्य प्रदेश के भाजपा के नए अध्यक्ष राकेश सिंह जी, और सभी मान्यवर जो उपस्थित है, और खास करके दूर दूर से और 7 देशों से विभिन्न गुरुकुलों से आए हुए सभी प्रतिनिधियों का मैं स्वागत करता हूं। स्वागत इसलिए करता हूं कि इसके रचयिता तो मुकुल कालिटकर जी है, लेकिन जिस जगह में यह हो रहा है उस सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान का मैं अध्यक्ष हूं, तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका तहदिल से। तक्षशिला नालंदा का बहुत उल्लेख हुआ आज, और सही भी है, उस समय वर्ल्ड रैंकिंग नहीं था, लेकिन जब तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा और बाकी विश्वविद्यालय भारत में थे, तब अगर वर्ल्ड रैंकिंग की पद्धति होती तो 1, 2, 3, 4, 10 सारे विश्वविद्यालय भारत के ही होते, भारत ही ज्ञान की नगरी थी। और इसलिए एक ज्ञान गंगा जहां चली है शताब्दियों से, उस भूमि के हम लोग हैं, यहां शिक्षा को और सार्थक बनाना है। आज सैकड़ों गुरुकुलों से आए हैं छात्र, मैंने कुछ छात्रों से बात भी की, पूछा क्या पढ़ाते हैं, तो गुरुकुलों में अर्वाचीन और प्राचीन विद्या का अच्छा समन्वय हो रहा है। एक गुरु के पास 8 या 10 छात्र हैं, उनका सर्वांगीण विकास हो, यह उनका उद्देश्य है, और हरेक की जो विशेषता है उसको प्रोत्साहन देकर और हरेक की जो जरूरत है उसको पूरा करते हुए एक सार्थक शिक्षा का यह अभिनव प्रयोग है, इसको भी शिक्षा पद्धति में स्थान रहेगा, यह मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि जैसे हमारे धर्म परंपरा में भी, हमारा धर्म भी बंद धर्म नहीं है, यहां आस्तिक का भी स्थान है, नास्तिक का भी स्थान है, वैसे शिक्षा में सभी प्रकार के स्कूल और सभी प्रकार की शिक्षा पद्धति, अल्टरनेटिव स्कूलिंग, मेरे अनेक मित्र हैं जिन्होंने स्कूल में बच्चों को भेजा नहीं, घर में मेहनत करके उसके रुचि के अनुसार उसके कला के गुणों का विकास हो इसलिए प्रयास किए। हमारे संगीत में, शिल्पकला में, हमारे अनेक कलाओं में यह गुरु शिष्य परंपरा रही है, और जहां 12-12, 15-15 साल गुरु के साथ सान्निध्य में अपने अपने गुणों का, कलाओं का विकास करने का एक अद्भुत प्रयोग इस देश में चला है। और इसलिए आज की शिक्षा, और खासकर जब राइट टू एजुकेशन बनाया, वो इनपुट बेस्ड है, बिल्डिंग है क्या, इतना एरिया है क्या, इतनी जमीन है क्या,
सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में, इनपुट्स में उसकी गिनती होती है और फिर विद्यालय को मान्यता मिलती है। हम ये थोड़ा बदलना चाहते हैं। महाराष्ट्र में या कहीं जगह जहां गन्ने का फसल होता है, गन्ना काटने वाले लोग हैं, अब गन्ना काटने वालों के मजदूरों के बच्चों को 4-6 महीने ये काम चलता है, तब हमारे यहां शुगर स्कूल चलता है, शक्कर की शाला चलती है, यानी वो शक्कर शाला उनको जो जरूरी शिक्षा है वो देते हैं, कभी पेड़ के नीचे है, कभी हॉल में है। वो इनपुट शायद नहीं होगा लेकिन आउटकम ज्यादा है और इसलिए वो सार्थक शिक्षा है। उसके रास्ते में भी जो दिक्कतें हैं वो हम दूर करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। आखिर शिक्षा क्या है? जैसे सत्यपाल जी ने उल्लेख किया कि एक अच्छे इंसान की निर्मिति यह शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा यानी जानकारी की भरमार नहीं है, ये अपना मस्तिष्क माने डाटा बैंक नहीं है, केवल हार्ड डिस्क नहीं है। शिक्षा माने मुखोद्गत करके परीक्षा के पेपर में उतारना नहीं है, शिक्षा समझना है विषय को, शिक्षा समझाने की कला होना चाहिए और शिक्षा विश्लेषण की क्षमता विकसित करनी चाहिए, इसको सार्थक शिक्षा कहते हैं। और यह अगर शिक्षा होती है तो इसके लिए मूल्य शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जीवन बसाना है। शिक्षा का उद्देश्य है, मैं जिला परिषद के स्कूल में पढ़ा, वहां मेरे स्कूल का नाम था जीवन शिक्षण मंदिर। इतना सार्थक नाम मैंने कभी नहीं देखा, जीवन शिक्षण मंदिर, जीवन का यापन करने की शिक्षा देने वाला मंदिर। और इसलिए वैल्यू एजुकेशन चाहिए, लाइफ स्किल एजुकेशन चाहिए, जीवन कौशल, एक्सपीरियंशियल लर्निंग चाहिए, अनुभव के साथ अनुभव आधारित शिक्षा चाहिए, क्रिएटिव स्किल्स हर एक में है। भगवान ईश्वर को किसी को खाली नहीं भेजा है, कुछ न कुछ देकर भेजा है, तो उसके गुणों का विकास हो, ये क्रिएटिव स्किल्स का विकास करने की जगह है। और फिजिकल एजुकेशन भी चाहिए। प्रधानमंत्री जी पहले वर्ष में 2000 छात्रों से संवाद कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि रोज 2 बार पसीना कितने लोगों को आता है, कितने छात्रों को आता है, एक भी हाथ ऊपर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि स्कूल में पाठ्यक्रम का इतनी भरमार हो गई है कि उससे निजात ही नहीं मिलती कि फिजिकल एजुकेशन हो। और इसलिए हमने तय किया है कि अब शिक्षा में वैल्यू एजुकेशन भी होगा, लाइफ स्किल एजुकेशन भी होगा, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन भी होगा, क्रिएटिव स्किल्स का भी विकास होगा और फिजिकल एजुकेशन भी होगा। और इसके लिए समय चाहिए, तो इसके लिए पाठ्यक्रम का जो बहुत अधिकतर है, अनावश्यक पाठ्यक्रम को दूर करें, लेकिन समय मिलना चाहिए व्यक्तिमत्व विकास को, एक अच्छा नागरिक बनने को। इसलिए शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हम कर रहे हैं। और इसके लिए मैंने जब वेबसाइट पर आह्वान किया तो आज तक 34,000 सुझाव नागरिकों ने भेजे हैं, और उसमें कौन से पाठ नहीं चाहिए, कौन से पाठ में क्या कम कर सकते हैं ताकि समय मिले इन बाकी सब चीजों को करने का, जिससे जिंदगी सार्थक बने। तो यह एक सार्थक शिक्षा, समग्र शिक्षा, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते सबको, सबका साथ सबका विकास, हमने भी नारा दिया है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, यह हमारा नारा है और उसको लेकर हम चलेंगे। मैं हमेशा मानता हूं कि प्राचीन और अर्वाचीन दोनों शिक्षा का मेल करने की क्षमता होनी चाहिए। सब जो प्राचीन था बुरा था, त्याज्य है, ऐसा मानना नहीं चाहिए, और जो आधुनिक है उसको हम सीखेंगे ही नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इसलिए एक मेल, जहां हमारे भारत का गौरवशाली जो काम है, भारत की केमिस्ट्री हो, भारत की एस्ट्रोनॉमी हो, भारत की मेटलर्जी हो, भारत का आर्किटेक्चर हो, भारत में जो भी अच्छा काम हुआ है जिसे हम भारत बोध कह सकते हैं,
हम भी एक तैयारी कर रहे हैं कि 11वीं 12वीं में भारत बोध का भी एक विषय एक वैकल्पिक विषय के रूप में रहेगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम उसको इतना रुचिकर बनाएंगे कि सभी छात्र वो लेने लगेंगे या आने वाले 2-3 साल में एक परिवर्तन करके दिखाएंगे। वेदों में ये गुरुकुलों में वेद शिक्षा का एक महत्व है और वेद एक जीवन दृष्टि है। क्यों जिए और कैसे जिए इसका व्यक्ति को भी मंत्र देता है, लेकिन समूह जीवन कैसे चले, विश्व बंधुत्व कैसे चले, कारोबार कैसा चले, ये भी चर्चा है। और वेदों में द्वैत अद्वैत का भी चर्चा है, व्यष्टि समष्टि सृष्टि और परमेष्टि इसका कैसे तादात्म्य है उसका भी वेदों में वर्णन है और वही अध्ययन है। और इसलिए मैं मानता हूं कि एक ये आज का जो विशाल गुरुकुल सम्मेलन है, आप जरूर सुझाव दीजिए मुकुल कालिटकर जी, 3 दिन आप बैठोगे चर्चा करोगे, हमें कॉन्क्रीट सुझाव चाहिए। हम सभी प्रकार की शिक्षा अच्छे तरह से जिससे नागरिक देश के लिए अच्छे बनेंगे ऐसी शिक्षा को हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं। आज के शिक्षा नीति में भी क्या बदलाव हो, बहुत सारे सुझाव आए, उस पर अभी अंतिम ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, 1 महीने में आ जाएगा और शिक्षा की नई शिक्षा नीति भी 2 महीने में आ जाएगी देश के सामने। एक मैं कहना चाहता हूं कि एक उल्लेख आया कि अभी परीक्षा ही नहीं है, हम एक नया बिल लाए हैं, राइट टू एजुकेशन में 1ली से 8वीं तक परीक्षा नहीं थी, हम एक बिल लाए हैं, सभी राज्यों की मांग थी कि 5वीं और 8वीं में परीक्षा होगी और टेस्ट होगी, ताकि उससे ही छात्र को एक चैलेंज रहता है और उससे ही छात्र आगे बढ़ता है, ये भी शिक्षा में परिवर्तन लाएंगे। इसलिए आज का ये सम्मेलन निश्चित रूप से उपयोगी सम्मेलन है और इससे बहुत सारे नए सूत्र मिलेंगे, उसको हम निश्चित विचार करके आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं।